डी ट्रिपल एस बी स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में जो है टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी और एग्जाम की अपडेट मिलती रहती है। तो ग्रुप में शेयर की जा रही है इमेज, तो इसमें वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसी जो रैशनलाइजेशन के बाद जो डाटा है उसके बारे में जो है इसमें बताया जा रहा है। तो हम इसमें डिटेल्ड एनालिसिस का करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो रैशनलाइजेशन ऑफ पोस्ट PGT एंड TGT। तो सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल ये देख सकते हैं 2308 पोस्ट एक एग्जिस्टिंग पोस्ट थी, तो एक तरीके से घटी हैं 133। तो अगर हम बात करें अगर वैकेंसी विद एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो एग्जिस्टिंग तो भाई 571, लेकिन अगर हम बात करें रैशनलाइजेशन के बाद क्या रहेगा तो ये 438 रह जाएंगी, ठीक है। हेडमास्टर हाई स्कूल तो इसकी 277 रह जाएंगी, 1034 है, इसमें -5 हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 282 रहती है अब रजिस्टिंग के हिसाब से, लेकिन जो रैशनलाइजेशन के बाद ये जाएंगी 277, ये -5 हो गई हैं। PGT बायोलॉजी की बात करें तो हम करंट सिचुएशन के हिसाब से 323 पोस्ट बनती हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन के बाद 232 माइनस घट जाएंगी और सिर्फ 91 रह जाएंगी बायोलॉजी की। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की 442 पोस्ट अब बहुत बनती हैं, लेकिन अब 474 माइनस हो जाएंगी इसमें से रैशनलाइजेशन के बाद, तो -32। तो केमिस्ट्री में तो एक तरीके से -32 की हम बात करें तो ये एक तरीके से सरप्लस ही हो गई आपकी केमिस्ट्री की, अब एक तरीके से वैकेंसी ना ही आए। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 681 अब बनती हैं, लेकिन 540 माइनस हो जाएंगी इसमें से, तो 141 बचेंगी। PGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन के हिसाब से 1793 बनती हैं, लेकिन जो रैशनलाइजेशन के बाद होगा 1655, तो 138 वैकेंसी घट गई हैं। इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो 839 पोस्ट हैं, तो रैशनलाइजेशन के बाद 226 पोस्ट रह जाएंगी। इंग्लिश की 1591 बनती हैं, लेकिन 1300 पोस्ट घटेंगी इसमें, अब 1300 पोस्ट घटने के बाद सिर्फ 291 पोस्ट इंग्लिश की बचती हैं। फाइन आर्ट्स की हम बात करें तो 1014 पोस्ट हैं, तो इसमें 117 घट जाएंगी, तो 897 बच जाएंगी। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 579 पोस्ट रहती हैं करंट सिचुएशन पे, लेकिन रैशनलाइजेशन के बाद 490 घटेंगी और 89 इसमें बच जाएंगी। हिंदी की हम बात करें तो 1433 बनती हैं, लेकिन 770 घटने के बाद 663 हिंदी की रह जाएंगी। इसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की 577 पोस्ट रहती हैं, तो 52 घटेंगी, तो 525 रह जाएंगी इसमें से। होम साइंस की बात करें तो 305 पोस्ट और 260 घटने के बाद 45। मैथमेटिक्स की हम बात करें तो 2102 पोस्ट बनती हैं, लेकिन 1622 पोस्ट घट जाएंगी, तो 480 रह जाएंगी इसमें। म्यूज़िक की बात करें तो 178 पोस्ट हैं, 105 घटने के बाद 73 रह जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन में 682 पोस्ट हैं और 127 इसमें जो है प्लस हो रही हैं, तो ये सब्जेक्ट में प्लस हो रही हैं, तो 1009 पोस्ट जो है, सॉरी 127 नहीं है, 327 है, तो एक तरीके से 1009 पोस्ट इसमें जो बनती हैं। फिजिक्स की हम बात करें तो 938 पोस्ट हैं और 861 घट जाएंगी इसमें, तो 77 बाकी रहेंगी। पॉलिटिकल साइंस में 669 पोस्ट हैं, लेकिन -178 करेंगे तो 491 इसमें रह जाएगी। साइकोलॉजी की हम बात करते हैं 104 अभी पोस्ट हैं और 75 माइनस हो जाएंगी, तो 29 रह जाएंगी। पंजाबी की बात करते हो 308 पोस्ट हैं और 85 माइनस हो जाएंगी, तो 223 रह जाएंगी। संस्कृत की बात करें तो 1523 अभी पोस्ट हैं और -1226 घटेंगी इसमें से, तो 297 रह जाएंगी। सोशियोलॉजी की बात करें तो 117 पोस्ट हैं और 71 घटने के बाद 46। उर्दू की हम एक पोस्ट बढ़ेगी तो 33 है अभी, 34 हो जाएगी। तो ये जो अब वैकेंसी जो आप देख सकते हैं ये रैशनलाइजेशन के बाद है, ठीक है। तो इसमें PGT के हम देख लिए कि भाई 17084 करंट सिचुएशन में वैकेंट है, ठीक है। लेकिन जो ये रैशनलाइजेशन चल रहा है रैशनलाइजेशन के बाद PGT में 9019 पोस्ट घटने वाली है, तो इतनी घटने के बाद 8065 पोस्ट रह जाएंगी PGT की सारे सब्जेक्ट की मिलाकर। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी ठीक है, लेकिन कुछ की तो एक तरीके से बिल्कुल ही डाउन है। जैसे हम बात करें इंग्लिश की 1300 पोस्ट घटी हैं, फिर हम बात करें
ज्योग्राफी की 490 घटी हैं, 770 हिंदी की घटी हैं, मैथमेटिक्स 1622 घटी हैं और 1226 संस्कृत। तो ये तो काफ़ी एक तरीके से लगभग पोस्ट ख़त्म ही हो गई हैं जो 1000 से ऊपर घटी हैं। तो इनकी वैकेंसी आएगी तो भी नाम मात्र की गिनी चुनी वैकेंसी आएगी। तो अगर हम बात करें TGTs की तो ये भी देख सकते हैं इसमें साथ हेडमास्टर एलिमेंट्री एजुकेशन में 2721 पोस्ट अभी बनती हैं, लेकिन माइनस होंगी इसमें 3438, एक तरीके से 717 माइनस में है। तो ये मान लीजिए ये तो सरप्लस में है, इसकी वैकेंसी तो नहीं आएगी। TGT फिजिकल एजुकेशन मास्टर DP तो इसमें 2952 पोस्ट बनती हैं, लेकिन 178 हम घटा दें तो 2774। TGT ड्राइंग में 3990 बनती है और 184 इसमें प्लस होंगी तो ये 4174 रहेगी। TGT हिंदी की बात करें तो 1203 है, इसमें 403 जोड़ देंगे तो ये 1606 बनेंगी पोस्ट। TGT पंजाबी की हम बात करें तो 349 में 102 जोड़ेंगे तो 451 पोस्ट। संस्कृत में TGT संस्कृत के 931 में 1185 जोड़ देंगे तो 1116। TGT कटिंग एंड टेलरिंग में 11 पोस्ट हैं और अब रैशनलाइजेशन के बाद 10 हैं। तो वैकेंसी आप रैशनलाइजेशन के बाद वाली मान सकते हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन तो एक तरीके से होना ही। अब TGT इंग्लिश की बात करें तो 541 पोस्ट हैं और इसमें 1963 पोस्ट अब जुड़ेंगी तो 2504। तो TGT में भाई PGT में घट गई हैं इंग्लिश में और TGT में बढ़ी हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। होम साइंस की बात करें तो 151 पोस्ट थी, 18 घट जाएंगे तो 133। मैथमेटिक्स में बात करें तो 1227 पोस्ट थी और इसमें भी 309 घट के 918 रह जाएंगे। तो मैथ्स में दोनों साइड से लॉस हुआ है मैथ्स वालों को, और इंग्लिश में भी PGT में लॉस हुई है, TGT में बढ़ी है। म्यूज़िक की हम बात करें तो 68 पोस्ट आवर्स, 46 माइनस कर देंगे तो 22। साइंस की बात करें तो साइंस में 1691 पोस्ट थी तो इसमें 1271 प्लस होंगे तो 2962 पोस्ट रहेंगी। और TGT सोशल स्टडीज़ इसमें 2066 पोस्ट हैं और 77 माइनस हो जाएंगे तो 1989। अब लास्ट में उर्दू में 79 पोस्ट है और 91 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 170। तो हम बात करें तो भाई 17980 पोस्ट अब बनती हैं TGT की, लेकिन जो अगर रैशनलाइजेशन कर दें तो 18122। तो जो विधानसभा में जो डाटा दिया गया था दोनों मिलाकर PGT और TGT का, तो ये दिया गया था 35064 35064 पोस्ट का जो है डाटा दिया गया था। लेकिन अभी जो ये रैशनलाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद ये बच जाएंगे, दोनों मिला के बताई जा रही है तो 26170 बच जाएंगी, जिसमें से 8065 PGT की होंगी और 18112 पोस्ट जो है TGT की होंगी। तो आप सब्जेक्ट वाइज अपना डाटा जो है देख चुके हैं भाई, किसी सब्जेक्ट के तो बिल्कुल ही हज़ार हज़ार माइनस पोस्ट हो रही हैं और किसी की जो है हल्के फुल्के बढ़ भी रही हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डाटा है ये। तो ये वैकेंसी कब आएगी ये तो पता नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो है डिमांड भेज दी है 7800 पोस्ट की, जो जिसमें TGT और PGT की मिलाकर आएंगी। तो इसमें भी जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद है, तो जो नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी ज़्यादा आ सकती हैं और कुछ की नाम मात्र की 100 से नीचे भी आ सकती हैं, 100 के आसपास, तो कुछ सब्जेक्ट की बहुत कम आएंगी। तो वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे जो मंत्री साहब का कहना है कि हमने डिमांड भेज दी है, तो वो अब देखते हैं डिमांड भेजने के बाद वो नोटिफिकेशन HSC कब जारी करता है। वैसे अभी तक ये बात बोली जा रही है कि इसमें रूल्स नहीं बने हैं, तो जैसे ही कोई रूल्स बनेगा तभी ये नोटिफिकेशन आएगा, तो पहले रूल्स बनने की बात है। तो लेकिन जो TGT की हम बात करें तो TGT का बोला जा रहा है 1500 पोस्ट पहले आने वाली हैं, तो वो एक सप्ताह का बोला जा रहा था, तो अभी तक तो आई नहीं है। जैसे ही जल्दी आ जाएगी तो आपको बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।